अभी स्टार हो रही हैं, कैसे कितना बदलाव आया है आपके पति में और आपको देखने का व्यवहार में? खूबसूरत हैं, स्मार्ट हैं, कहीं ना कहीं बहुत सारे लोगों का मैसेज आता होगा इंस्टाग्राम पे, तो कहीं छोड़ ना दें तो डर दिख रहा होगा ना। बोल देवी बोल। बुलाएंगे तो जाऊंगी ना, ऐसे कहाँ दौड़ी चली जाऊँ, किसके पास जाऊँ दौड़ी दौड़ी, बुलाएंगे लो तो जाऊंगी। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है द लार्ज में और मैं हूँ आपके साथ विशाल गौरव, और अभी मेरे साथ वायरल भाभी जी हैं, वायरल भाभी जी के नाम से वायरल हो रही हैं नेहा गुप्ता जी, और इनसे हम लोग बातचीत करेंगे कि ये कब से वायरल हुई हैं और क्या उद्देश्य है, आगे चलकर ये क्या करना चाहती हैं, तो बने रहिए हमारे साथ। स्वागत है मैम आपका हमारे चैनल में। आपका भी स्वागत है, और इनके चैनल से जो भी मुझे देख रहे हैं ना उनका भी स्वागत है, नमस्ते। बहुत टेंशन में दिख रही हैं, क्या बात है? टेंशन में बहुत हूँ मैं। क्यों? थकान हो गया है बहुत। बहुत सारे रिपोर्टर साहब आए थे लोग, ठीक है, उनको सबको रिपोर्टिंग कराते कराते मैं थक गई हूँ जी। हो रही है लगातार, आपके पति हैं जो सिपाही हैं उन्हीं के नाम से वायरल हो रही हैं, और अभी वायरल होने के बाद से कैसा लग रहा है? ठीक है, मेरे पति की वजह से वायरल की होगी, मेरे डांस की वजह से वायरल किए हैं, ये तो दर्शक बताएंगे। गाइस, ये जो भी हमें जनता देख रही है ना, वो मेरे पति की वजह से करे हो कि मेरे डांस की वजह से, ये कमेंट करना जरूर। मेरे को तो लगता है कि मेरे डांस की वजह से करे हो, क्योंकि मैं डांस ठीक ही कर लेती हूं। वो तो जनता जानती है आपके अंदर टैलेंट है, आप खूबसूरत दिखती हैं, इसके वजह से लोग वायरल कर रहे हैं, पसंद कर रहे हैं, मगर कहीं ना कहीं ये भी लोग सोच रहे हैं कि आप एक सिपाही की बीवी हैं, क्योंकि एक जो प्रोफेशन होता है सिपाही का, लोगों को लगता है कि समाज सेवा का काम होता है, और समाज में काफ़ी एक गंभीर पद होता है सिपाही का, क्योंकि वही लोग रक्षा करते हैं और देखभाल करते हैं, तो हम लोग सही से सलामत घर में रह पाते हैं, क्या नहीं लग रहा है आपको? हाँ, वो तो लग ही रहा है, ठीक है, रक्षा करते हैं तो इसमें कोई हमें आके मार तो नहीं रहे ना, ठीक है ना, हम किसी को मारने जा रहे, तो इसमें रक्षा हमारा क्या करना, हमें डांस अच्छा लगता है, मैं डांस करती हूँ जी, बस। अच्छा, एक बात बताइए, कितने साल हो गया आपके शादी का? मेरे 3 साल हो गए। 3 साल? 3 साल हो गए जी। 3 साल। कितनी उम्र है आपकी? मेरी यही 24-25 होगी। 24-25? हाँ, 23-24। हाँ, सबको सच बताती हैं उम्र अपना? हाँ, तो जो है मैं बता रही हूँ, लड़कियाँ कभी अपनी उम्र नहीं बताती, पर जो है मैं बता रही हूँ। अच्छा, ये बताइए, 3 साल हो गए आपकी शादी का, उसके बाद से जब शादी हुई है उसके बाद से आपके हस्बैंड सिपाही हैं और अभी आप रील से स्टार हो गई हैं, अभी स्टार हो रही हैं, कैसे कितना बदलाव आया है आपके पति में और आपको देखने का व्यवहार में? अरे, वो जैसे थे पहले वो वैसे ही अभी भी है, ऐसा कुछ नहीं है, और ना ही हम वो स्टार पे स्टार जो भी बने हैं, मतलब जो भी है, हम जैसे पहले थे वैसे अभी भी है, हमारे अंदर ना कोई घमंड है कि मैं वायरल हुई, ऐसा कुछ नहीं है, मैं जैसी हूँ नेचुरली ऐसी हूँ, नॉर्मल हूँ जी। नहीं, आपके हस्बैंड को कहीं ना कहीं डर सता रहा होगा कि आप इतनी खूबसूरत हैं, स्मार्ट हैं, कहीं ना कहीं बहुत सारे लोगों का मैसेज आता होगा इंस्टाग्राम पे, तो कहीं छोड़ ना दें, तो डर दिख रहा होगा ना? हम दोनों के बीच में कभी ये बात ही नहीं होता कि मेरे हस्बैंड कभी बोलते भी नहीं कि तू वायरल हो गई, ऐसा कुछ नहीं है, हम दोनों में कभी ये बात ही नहीं होता है। हाँ, अरे काम ही इतना है, अपना काम धंधा करो, बच्चे देखो, बस अपना टाइम पास हो जाता है, कहाँ कौन देखने जा रहा है, कौन वायरल हुए, बस हो गए। स्टार लोगों का मैसेज आता होगा तो आपको लगता होगा ना कि हमको स्टार मैसेज कर रहा है, चाहे बहुत सारे लोग मैसेज करते होंगे। बड़े बड़े रील्स बनाने वाले ना, जैसे पारुल यादव थी जो 2021-22 में शायद वायरल हुई थी, वो भी आज स्टार बन गई है, उन्होंने भी मेरे वीडियो को लाइक करा था। हाँ, थंबल तो किया। ईगो नहीं आता है? नहीं, मैं उनको थैंक यू बोली थी, मैं बोली थी थैंक यू। मतलब आपके जो प्यार बढ़ा है कि नहीं पति के साथ, ये पूछ रहा हूँ मैं। कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, जो है सो सही है, पहले सही जैसे है। था, हाँ, जैसे पहले था वैसे अभी भी है, ऐसा कुछ नहीं है जी। तो वायरल होने के बाद से अब क्या लगता है कि आगे कहाँ तक जाना है? मैं देख रहा हूँ आप बहुत ज़्यादा टेंशन भी हो गई हैं। हाँ, अरे अकेले सब कुछ कर रही हूँ ना, मेरा थकान हो जा रहा है, ठीक है। हाँ, मतलब नहीं देख पा रही हूँ अपने बच्चे को ठीक से, अभी तो सोया है तो ठीक है, कोई नहीं, ठीक से दे रही हूँ। अभी उस टाइम सब कोई आए थे लो, तो लग रहा था पता नहीं किधर गया, अच्छा है कि कोई कोई देख रहा था लो लड़का को मेरा, इसीलिए ठीक हूँ।
अच्छा कहाँ तक जाना है, क्या बनना है आगे? रील्स तो अब मान लेते हैं कि इंस्टाग्राम पे वायरल हो गई हैं, अब रील्स बन रहा है, लोग देख रहे हैं, पसंद कर रहे हैं, आगे का क्या सोचा है आपने? अगर मुझे कोई काम देंगे ना एल्बम में, चाहे कॉमेडी हो चाहे गाने में, कुछ में भी काम देंगे तो मैं काम कर लूँगी। कौन अच्छा लगता है भोजपुरी में, ऐसा कौन सा स्टार है जो अच्छा लगता है आपको? सबको ही लगते हैं मेरे को। सबको लगते हैं, ऐसा तो नहीं है हम सब्जी खाते हैं तो हर सब्जी हमको अच्छा लगता है, कोई एक होगा फेवरेट होगा? सब अच्छा लगता है। जैसे खेसारी लाल, पवन सिंह? ना मैं सब सबको ही अच्छा लगते हैं और सारे के गाने पे रील बनाती हूँ मैं। अच्छा। जी कौन सा गाना ऐसा था जो आपको सबसे पहले वायरल हुआ था आपका? दाबा ना हमार करे हैया। थोड़ा सा गा के दो लाइन हमारे दर्शकों को सुनाइए आप। सरिया हो सैया ये सैया, दाबा ना हमार करे हैया। थोड़ा सा आप रील जिस तरह बनाती है उस तरह से थोड़ा सा गाते हुए? मैं गा के नहीं करूंगी, अगर गाना बजाना है तो आप लोग बजाओ, मैं डांस कर लूंगी। अच्छा जी, तो डांस का कहीं से क्लास किया है आपने, सीखा है कि ऐसे ही नेट के जमाना है आजकल तो नेट से देखकर सीख गई हैं? हाँ मैं इंस्टाग्राम से सीखी हूँ। अच्छा जी, इंस्टाग्राम से सीखी है? हाँ वही से सीखी हूँ मैं। अच्छा तो मतलब आगे किसके साथ, किस स्टार के साथ आपको काम करने का सबसे मन है कि इनके साथ काम मिल जाता तो अच्छा होता? मुझे जो बुलाएंगे मैं जाऊंगी, पहले जो बुला दे, पवन सर, खेसारी सर, नीलकमल सर, प्रमोद सर, कोई भी हमें बुलाएंगे, एनीबॉडी कोई भी बुला देंगे मैं जाऊंगी। कोई भोजपुरी का ऐसा सॉन्ग जो आपको पसंद हो, जो लगता हो कि काफी अच्छा है? मेरे को सब अच्छे लगते हैं। कोई एक ऐसा सॉन्ग गा के सुनाइए हमें। ना 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 ऐसा कुछ नहीं है, मेरे को जो ट्रेंडिंग गाने आते हैं उन पे रील्स बनाती हूँ, मेरे लिए सब अच्छे हैं। अभी कौन सा गाना भोजपुरी में ट्रेंडिंग चल रहा है बताइए? अभी तो यही तो एथी वाला, नूनू रोटी खाए पर बहारवा न जाए दबा, अझकोरा मारे झूला, गोरी तहार गलिया रसगुल्ला, हाँ ये वाले पे। तो अभी फिर इसमें मैं रील्स नहीं बनाई हूँ पर बनाऊँगी कल परसों। जी अच्छा ये बताइए, आपने तो रील्स के बारे में बता दिया, हाँ। क्या करना है ये भी बता दिया, कितनी कमाई हो जाती है रील्स से? अभी नहीं कमाती है। नहीं कमाती है तो क्या लगता है कि अब पतिदेव तो पूछते होंगे कि कितना कमाती हैं? नहीं ये सब कुछ नहीं पूछते मेरे पति, कुछ नहीं पूछते, ये सब पैसे वैसे की बात नहीं पूछते। हाँ नहीं पूछते। अच्छा तो शौक भी होगा कि इंस्टाग्राम से पैसे आए, पैसा आता है कि नहीं आता है? नहीं आता है पैसा। किसी ने अभी कॉन्ट्रैक्ट किया कि नहीं प्रमोशन के लिए? नहीं किए हैं लो, अभी कहीं नहीं किए हैं लो, किए करेंगे तो बताया जाएगा, बताया आप मतलब कहते हैं प्रचार करूंगी तो आप लोगों को भी तो पता चली जाएगा कि मैडम को मिल गया प्रचार करने के लिए। जी कहाँ कहाँ से लोग मिलने के लिए आ रहे हैं आपसे? रिपोर्टर साहब आते हैं लोग, जो जैसे आप लोग मीडिया वाले हो ना, वो लोग आते हैं बनारस से, बेतिया से, नरकटियागंज से, कटिहार से, पटना, छपड़ा, गोपालगंज, देवरिया, बनारस, हाँ ये सारे जगह से आते हैं। बहुत अच्छा लगता है। ठीक है मैं हूँ तो मैं मतलब जनता ने सपोर्ट करा, मेरा वीडियो को वायरल किया तो आप लोग आते हो मुझे से मिलने, नहीं तो कौन किसे जानता है कि नहीं? भोजपुरी फिल्मों में बहुत सारे आरोप लगते हैं, आपने भी सुना होगा, अश्लीलता का और उसके बाद से लड़कियों के साथ कंप्रोमाइजेशन का, तो उसके बाद से आप रील्स बनाती हैं, अगर ऐसा कुछ है, आप भी आपको भी काम देने का जब भोजपुरी में इस तरह के आरोप लगते हैं क्या कहिएगा? मैं तो देखी नहीं हूँ ना, मैं देखी नहीं, अगर कुछ ऐसा होगा तो मैं बताऊंगी। जी बताऊंगी मैं ऐसा कुछ होगा तो। कई तरह के शॉर्ट्स कपड़े पहनने का भी लोग ऑफर करते हैं। हाँ यहाँ तक चलेगा, यहाँ तक अरे घंघरी तो पहनती हैं लोग, मैं तो ज्यादातर देखती हूँ किसी गाने में घंघरी पहनती हो और नहीं तो यहाँ तक पैंट पहनती हैं लोग। हाँ तो ऐसा ड्रेस है इन सब चीजों के लिए? हाँ तो यहाँ तक तो जीन्स चली जाएगा, ठेहुने के नीचे तक घंघरी चले जाएगा और बाकी कोई बिकनी बोलेगा तो थोड़ी पहनेंगे, वैसे भी हमारे भोजपुरी में बिकनी कोई तो पहनती नहीं है, ये बोला ना मैंने सही बोला ना, भले बॉलीवुड में पहनती है बिकनी और वो जो भी है ठीक है, हमारे भोजपुरी में वो बिकनी तो नहीं पहनती है लोग। हाँ घंघरी, हाफ पैंट ये तो चलता है। जी अच्छा जैसे आप अभी घर में काम अपना संभालती हैं उसके बाद से सब कुछ देखने के बाद से रील्स बनाती हैं, और जब ऑफर आएगा एल्बम का जैसे बात कर रही हैं तो आपको बाहर जाना पड़ेगा, तो घर से बाहर भी रहना पड़ेगा, तो उसके बाद से उसके लिए क्या आपके पतिदेव ऑर्डर देंगे? कभी इस मैटर पर आपसे बात हुई? क्योंकि अब मुझे लगता है कि आपको ऑफर भी आने लगे। हाँ आए हैं, दो जगह से आए हैं, दो तीन जगह से आए हैं। तो क्या लगता है कि उसके बाद से पतिदेव आपके ऑर्डर देंगे? मैं उनके साथ ही जाऊंगी, उनके साथ ही जाऊंगी। उनका अगर छुट्टी अप्रूवल नहीं हुआ तो?
अरे क्यों नहीं होगा, आप देखो हमेशा जो ड्यूटी करते हैं, दो दिन के लिए छुट्टी नहीं मिल सकता? हाँ नहीं मिलेगा तो क्या करेंगे? तो मैं अपने फैमिली में किसी को भी लेके जाऊंगी, पर जाऊंगी उन्हीं के साथ ही जाऊंगी। अब ऐसा नहीं होगा कि नेहा गुप्ता जी पीछे हट जाएं? ना ना नहीं होंगी मैं पीछे, नहीं नहीं होंगी। आगे जाने के लिए तैयार है? हर चीज के लिए तैयार है। बुलाएंगे तो जाऊंगी ना, ऐसे कहाँ दौड़ी चली जाऊँ, किसके पास जाऊँ दौड़ी दौड़ी, बुलाएंगे लो तो जाऊंगे। अच्छा कोई बुलाएगा तो ऐसे भी चल जाएंगे आप? अरे ऐसे कोई, मैं जांच परख के जाऊंगी कौन कैसा है क्या करते हैं जी। अच्छा लोग आपको भाभी जी क्यों बोलते हैं? अरे आप जैसे युवा लोग बोलते हैं जी, अब मैं क्या कह सकती हूँ, आप लोगों को जो अच्छा लगता है बोलते हो भाभी जी। अच्छा लगता है आपको भाभी जी सुनके? कोई नहीं, एक तो मेरे देवर थे, आज बहुत सारे देवर बन गए, सही है, अच्छा है जी। अच्छा लगता है? हाँ अच्छा है। और क्या कहिएगा जो आपके ऑडियंस से इतना प्यार दे रहे हैं? मेरी वीडियो को लाइक करिए लो, शेयर करिए लो, और क्या कहते हैं फॉलो करिए लो, यही कहूँगी। बहुत थक गई हूँ मैं, बहुत के सामने हमारा बता दीजिए कि आप किस तरह से रील बनाती हैं? ऐसी तो बनाती हूँ। अभी हमारे साथ नेहा गुप्ता जी जुड़ी हुई थी, इनसे हमने तमाम सवाल किया और पूरा एकदम साफ साफ इन्होंने बताया कि आगे चलकर क्या करना है और कितना सपोर्ट मिलता है फैमिली का, ये भी बताया। बाकी ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके बताइएगा, और आपका भी अगर कोई सवाल है तो भी कमेंट करके बताइएगा, और हम कोशिश करेंगे अगली बार अगर मिलें तो आपका भी सवाल हम लोग काउंट करने की कोशिश करें और आपका भी जवाब हम लोग ढूंढने की कोशिश करें। बाकी ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।